तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्लाइड शो में क्या है कि अगर जैसे हम पहली स्लाइड पर हैं और हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, पहले स्लाइड नंबर लगा लेते हैं, हेड एंड फूटर पे जाते हैं, यहाँ से स्लाइड नंबर असाइन करते हैं, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, तो हर स्लाइड पे एक स्लाइड नंबर असाइन हो जाएगा। अब जब स्लाइड शो चलेगा तो हमें उसको ट्रैक करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर आ रहा होगा ये, ठीक है, तो 2x2 आ रहा होगा, 3x3 आ रहा होगा। तो अगर आप किसी स्लाइड पर हैं जो कि 5 नंबर स्लाइड है और आप शो शुरू करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो आप कहेंगे स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम 1 स्लाइड फ्रॉम बिगनिंग। तो देखें आपका स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होगा और ये इस तरह से आपको नजर आएगा, एंड देन फिर ऑटो है या फिर आप खुद से चलाते हैं उसको करते चले जाए। सेकेंड ऑप्शन है इसके अंदर कि अगर आप 6ठी स्लाइड पर हैं और उसको आप कहते हैं मिसाल के तौर पर स्लाइड शो पे क्लिक करके फ्रॉम करंट स्लाइड, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे कि 6ठी स्लाइड से ही शो को स्टार्ट कर देगा और वो शो आपका आगे मूव करेगा या बैक करेगा जो भी है। तो एक ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। तीसरा ऑप्शन है कस्टम स्लाइड्स का, तो यहाँ कस्टम शोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम स्लाइड्स नजर आएंगी। अब ये कस्टम शो आपको कैसे हेल्प करेगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है, ये मुख्तलिफ लेसन्स पर है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पर है, मैं उनको अलग अलग कर देता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ सपोज टू बी लेसन 01, ठीक है, और उसमें जो टॉपिक थे सपोज टू बी वेरिएबल से रिलेटेड थे वो मैंने ऐड करा दिए और उसमें ये 3 प्रेजेंटेशन मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया लेसन 02 और वो जो अगले स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन थी उसको मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स के नाम से सेव कर दिया, डेटा टाइप्स। उसमें मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक पहली वाली स्लाइड ऐड करा ली इसके अंदर, ये वाली बेसिक डेटा टाइप्स, और यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक प्रिमिट ये करके ऐड करा दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से अरे तो एक ही बैड हो गई, थोड़ा सा गलती हो गई, दोबारा देखते हैं। न्यू और यहाँ पे क्लिक करेंगे लेसन 01 और यहाँ पे जो आपने ऐड करानी थी जो स्लाइड्स थी वो आप ऐड करा लें। आप एक स्लाइड को एक बार भी ऐड करा सकते हैं और एक स्लाइड को कई बार भी ऐड करा सकते हैं उसके अंदर, ओके करेंगे। फिर एक न्यू कर लें, फिर न्यू लेसन 2 ऐड करा लें इसके अंदर लेसन 02, और फिर इसमें मैंने एक ही स्लाइड ले ली बेसिक डेटा टाइप और उसके बाद जो है यहाँ से प्रीमेटिव डेटा टाइप और यहाँ पे क्लिक करके ऐड करा दिया। फिर इसका यहाँ से मैंने ओके कर दिया और फिर यहाँ से ऐड करा दिया लेसन 03 और उसमें फिर मैंने यहाँ से वेरिएबल्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ से अल्फाबेटिक न्यूमेरिक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करा दी और उसको ऐड कर दिया। यानी कि आप ओके करके इनके पहले से क्लस्टर बना के रख लें स्लाइड शोज के। अच्छा ये कहाँ हेल्प करेंगे, मतलब आपकी 150 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन है जिसमें 10 टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक के अंदर वो स्लाइड्स को ऐड कर लें। एक स्लाइड को एक बार भी ऐड कराया जा सकता है, कई बार भी ऐड कराया जा सकता है। अब फ़ायदा क्या होगा, देखें पहले तो मैं सिर्फ स्लाइड शो को पहली स्लाइड से या करंट स्लाइड से चला पा रहा था, अब चूंकि मैंने काम ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है तो मैं जाऊंगा आज हमारा कौन सा लेसन है, लेसन 2, तो सिर्फ लेसन 2 में जो स्लाइड्स ऐड होंगी हमारा प्रेजेंटेशन वहां से गो ऑन करेगा और बस उनको कंप्लीट करने के बाद वो ऑफ हो जाएगा। ये काम अच्छा हो गया ना ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब कोई भी आपने एक प्रेजेंटेशन के अंदर 15 किस्म के टॉपिक सेट किए हुए हैं, 15 इक्विपमेंट के बारे में बताया, 15 ऑफर्स के बारे में बताया हुआ है, तो उन ऑफर्स के अलग अलग इसमें ऐड करा देंगे। ये बात सही हो गई, समरीन समझ में आ गई आपको, ओके। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेटअप स्लाइड शो। अच्छा सेटअप स्लाइड शो क्या है, स्लाइड शो का एक सेटअप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर 2-4 ऑप्शन है, पहले इनको देख लेते हैं। शो ऑप्शंस, इसमें लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, डिसेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन। इसमें मैं आपको बताता हूँ लूप अंटिल एस्केप, अगर आपने इस पर चेक लगा दिया और लेट सपोज अगर आपने यहाँ पर ट्रांजिशंस में इन सबको ऑटो कर रखा है और अप्लाई टू ऑल कर रखा है और यहाँ पर अब हम जाके या तो पूरा स्लाइड शो चला रहे हैं, इसमें तो काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, 40 स्लाइड्स हैं, तो हम क्या करते हैं हमने जो शोज बनाए उनमें से कोई शो को रन कर देते हैं, सपोज टू बी ये 1 वाला शो। अब ये शो भी चूंकि हमने ट्रांजिशंस को ऑटो कर रखा है तो ये भी ऑटो ही चलेगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी जिस पर हमने चेक लगाया है उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ये आखिरी स्लाइड पे पहुंचेगा दोबारा से शुरू हो जाएगा। मतलब आपने कहीं पे बड़ा LCD लगाया हुआ है और आपने अपना कोई एनिमेशन या आपने कोई एड लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली लोगों के आगे परफॉर्म होता रहे, तो ऐसे लगा के आप उसको छोड़ दें, वो वहाँ पर स्लाइड पे ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात ये। अच्छा तो बाकी दूसरा जैसे सेटअप शो में अगर चेक हटा देंगे तो फिर वो 1 टाइम चल के रुक जाएगा, फिर आपको दोबारा खुद चलाना पड़ेगा।
पेन कलर, पेन का कलर क्या हो जो भी रखे, अब पेन का कलर क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे होते हैं बड़ी स्क्रीन पर या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स वगैरह पर, तो हाईलाइट करने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, आपको मेरा माउस वहां नजर नहीं आ रहा ना, अब मैं जैसे कंट्रोल का बटन दबा के और फिर क्लिक करूंगा तो देखिए आपको वहां पे एक लेजर नजर आएगा, आ रहा है नजर लेजर, तो वो किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, ऑडियंस की तवज्जो दिलाने के लिए इसको यूज करते हैं पेन कलर को। अक्सर लोग अगर दूर होते हैं तो फिर तो वो लेजर छोटी सी लाइट आती है उसको यूज कर लेते हैं, वरना ये इनबिल्ट फीचर है, इसको भी यूज किया जा सकता है। और इसके कलर की जो सेटिंग है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट करेंगे, कंट्रोल का होल्ड करना है माउस के क्लिक से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी एक ऑप्शन है ऑल। अभी स्लाइड शो पे मैं क्लिक करूंगा तो पहली स्लाइड से लेके 41 स्लाइड तक एक शो चलेगा। अब यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम, आप चाह रहे हैं कि मेरा शो चले 3 स्लाइड से लेके 6 स्लाइड तक, ओके। अब जब भी कोई स्लाइड शो पे क्लिक करेगा आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा 3 स्लाइड से और 6 स्लाइड पे वो एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड हो गया। और अगर वो उस पे लूप अंटिल स्कैप पर होगा तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, अगर कस्टम शो में आप चाहते हैं कि सिर्फ जब भी स्लाइड शो पे क्लिक हो तो ये वाला शो चले या ये वाला शो चले जो आपने बना के रखे हुए, तो आप स्लाइड शो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कस्टम शोज में स्लाइड्स ऐड होंगी वही परफॉर्म होंगी और बस वहीं पर आपका शो एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोबारा से चाह रहे हैं कि नहीं भाई जब भी स्लाइड शो पे क्लिक हो तो ऑल मतलब फ्रॉम 1 to end तक चले, फिर यहाँ पे एडवांस स्लाइड्स का ऑप्शन है जिसमें मैन्युअली और यूज टाइमिंग एक प्रेसेट्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी यहाँ से गए व्यू में स्लाइड सॉर्टर में, आपने हर स्लाइड के ऊपर उसका टाइम सेट किया हुआ 3-3 सेकंड का, सही देख रहे हैं। और उसके बाद आप यहां से जाते हैं सेटअप शो में और यहां पे जाके मैनुअल पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा, अब दोबारा से स्लाइड शो जो है चलेगा तो सही लेकिन वो टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करेगा। मैनुअल का मतलब होता है जब तक के मैं माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से स्लाइड को चेंज ना करूं वो चेंज ना हो। देखिए मैं माइक से क्लिक करूंगा तो ये देखें इस तरह से, और अगर मैं कीबोर्ड से क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरह से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ये उस वक्त यूज करना है जब आपने सबकी टाइमिंग सेट कर रखी है, अगर टाइमिंग पे ही चलना है तो फिर यूज टाइमिंग इफ प्रीसेट्स पे रखेंगे तो वो टाइमिंग को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे हाइड। अब हाइड में क्या होता है, मिसाल के तौर पे अभी स्लाइड शॉर्टर है, हम दोबारा नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं, ये मेरी पहली स्लाइड है और ये मेरी दूसरी स्लाइड है, पहली और ये मेरी दूसरी है। दूसरी स्लाइड को मैं चाहता हूँ स्लाइड शो में ना आए तो उसको जस्ट मैं क्या कर दूंगा हाइड। हाइड से ये होगा कि वो यहाँ तो नजर आएगी लेकिन ड्यूरिंग स्लाइड शो वो इसको स्किप कर देगा। ये देखिए पहली स्लाइड, पहली स्लाइड और पहले के बाद डायरेक्ट कौन सी आ गई, फोर्थ स्लाइड, ठीक है। तो जो जो स्लाइड्स आप चाहते हैं स्किप करें आपका स्लाइड शो उसको यहां से आप हाइड वाले पे क्लिक करके बता सकते हैं। रीहियर्स टाइमिंग, रीहियर्स का मतलब है टाइमिंग की रिहर्सल कर ले। एक प्रेजेंटेशन कल आपको डिलीवर करनी है और उसको डिलीवर करना है और आपको उसका एक टाइम है, आपको 10 मिनट मिलेंगे 2 मिनट मिलेंगे, उसकी रिहर्सल कर ले। कैसे रिहर्सल करेंगे, जैसे रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा काउंटर। अब आप जो जो बोलते जा रहे हैं वो इसकी टाइमिंग में टाइमिंग रिकॉर्ड होती जा रही है, फिर नेक्स्ट कर दिया तो टोटल प्रेजेंटेशन का टाइम सीधे हाथ पे चल रहा है यानी कि यहाँ पर चल रहा है, और जो आपका स्लाइड का टाइम यहाँ चल रहा है, फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, यानी कितनी देर मुझे किस स्लाइड पर रुकना है उसकी रिहर्सल कर लें। जैसे रिहर्सल कर लेंगे तो ये टाइमिंग्स, मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ शो को, ये टाइमिंग्स इनके ऊपर रिकॉर्ड हो जाएंगी, स्लाइड सॉर्टर व्यू में देख सकते हैं 8 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड, 2 सेकंड और बाकी हमारी सबकी 3 सेकंड। अब कल को जब हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस टाइमिंग को फॉलो करेगा, 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो रिहर्सल करके भी आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको कहीं पर डिलीवर कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड पर मुझे कितनी देर स्टे करना है, उस पर क्या क्या बोलना है, वो आप अपनी रिहर्सल करके पूरी तैयारी करके भी जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में फ्रॉम करंट और फ्रॉम बिगनिंग, अब ये क्या करेगा, रिकॉर्ड नरेशन रिकॉर्ड करेगा, टाइमिंग रिकॉर्ड करेगा, मीडिया कंट्रोल्स को रिकॉर्ड करेगा,
नरेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको नरेट करके बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड नरेशन। तो अब कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो मैं कहता हूँ ऐसा करो फ्रॉम बिगनिंग, समझ तो गए होंगे फ्रॉम करंट का मतलब है कि अगर मैं पांचवी स्लाइड से हूँ तो इससे रिकॉर्ड करना शुरू करो, और अगर मैं मिसाल के तौर शुरू से चाहता हूँ तो शुरू से रिकॉर्ड करो, ये तीनों चीज़ों को। अगर इनमें से कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी तो वहाँ से चेक हटाया जा सकता है। फ्रॉम बिगनिंग कह रहा है कि स्लाइड एंड एनिमेशन को भी और टाइमिंग को भी रिकॉर्ड करूंगा, नरेशन यानी कि आवाज़, इंक एंड लेजर पॉइंटर को भी रिकॉर्ड करूंगा। तो आवाज़ के लिए आपको ये माइक्रोफोन ऐड करना पड़ेगा, वरना फिर ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा आपकी आवाज़ की। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैं पहले भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। वेरिएबल इज अ स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए इसका एक फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग करके पूरे लेक्चर की वीडियो बना के हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी को लेसन वीडियोज़ भी सेंड कर सकते हैं, किसी को किसी पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में समझा भी सकते हैं। इसलिए ये इस तरह का ऑप्शन काम कर रहा है और ये मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा है और स्लाइड के ड्यूरेशन को भी रिकॉर्ड कर रहा है। स्केप कर दिया हमने यहाँ से, तो ये देखें सब पे जिस जिस पे स्पीकर का ऑप्शन बना हुआ आ गया वहाँ पे ये रिकॉर्ड हो चुका है। और जब स्लाइड शो करेंगे तो अब हमें आवाज़ भी सुनाई देगी हेडफोन के अंदर बाकायदा, ठीक है ना। ओके, अब आप स्लाइड शो चलाना चाह रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे क्लियर क्लियर टाइमिंग्स, सिर्फ टाइमिंग ख़त्म करनी है या नरेशन भी ख़त्म करनी है। करंट का मतलब है जिस स्लाइड पे आपका सिलेक्शन है, और ऑल का मतलब है तमाम स्लाइड्स के ऊपर से। अगर आप तमाम इसी स्लाइड पर से टाइमिंग ख़त्म करना चाहते हैं, इसी स्लाइड पर से आप जो है नरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। और अगर आप तमाम स्लाइड्स के ऊपर से नरेशन भी ख़त्म करना चाहते हैं यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग, और टाइमिंग्स भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये कमांड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अच्छा फिर ये है कि मैं अंडू कर लेता हूँ दो बार। अब अंडू करने के बाद अभी नरेशन भी आ गई और टाइमिंग भी आ जाएगी, ये देखें टाइमिंग भी आ गई। अब मैं कहता हूँ कि टाइमिंग को फॉलो ना करो और स्लाइड शो चलाएं, तो अब टाइमिंग को फॉलो नहीं करेगा। आवाज़ को फॉलो ना करो और स्लाइड शो चलाएं, तो टाइमिंग को फॉलो करेगा, आवाज़ को फॉलो नहीं करेगा। और दोनों पे से चेक तीनों पे साइड दें, स्लाइड शो मैन्यूअल हो जाएगा, फिर हमें खुद ही चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्लाइड शो के कुछ कंट्रोल्स हैं जो हमें स्लाइड शो चलाने में हेल्प करते हैं। मैं बोलता जा रहा हूं वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। लाजिम बात है कि नेक्स्ट टाइम हम उसको किसी के सामने ही जाके एक्सप्लेन करेंगे, तो स्लाइड शो का ऑप्शन हमें ज़्यादा